हाँ तो भाई, आज हम एक एनीमे वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे एक इंडियन मूवी के लेगेसी को आगे लेके गया है मौत की तरफ। आप सब ने तो बाहुबली मूवी देखी होगी, क्या ही बवाल मूवी बनाया था डायरेक्टर SS राजामौली ने, जिसने इंडियन सिनेमा को हिला के रख दिया था। सबके जुबान में बस एक ही सवाल था कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और इस फ्रेंचाइजी के सेकेंड पार्ट ने तो भाई पूरा तबाही मचा दी। और वही कल्ट क्लासिक लेगेसी को लेजेंड ऑफ हनुमान के मेकर्स ने डुबा दिया चकनाचूर कर दिया। हालांकि जब इस एनिमे वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ था, हाँ वो थोड़ा खराब लगा था, लेकिन भाई थोड़ा तो बहुत भरोसा था कि भाई लेजेंड ऑफ हनुमान के मेकर्स इस वेब सीरीज को बना रहे हैं, तो शायद हमें कुछ अच्छा चीज देखने को मिल जाए, कुछ शायद अच्छा खासा एनिमे देखने को मिल जाए, स्टोरी देखने को मिल जाए। लेकिन जब आज ये एनिमे वेब सीरीज रिलीज हुई, इसके दो एपिसोड को देखने के बाद तो भाई यही फील हुआ कि इज्जत डुबा दिया भाई लेजेंड ऑफ हनुमान के मेकर्स ने। बाहुबली को पूरा चकनाचूर करके रख दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है बाहुबली के लेगेसी को। इन सिंपल वर्ड में बोलो, ये टोटली एक फीलिंग लेस वेब सीरीज है। बाहुबली का जो ओरा था, बाहुबली का जो फील था, जो स्टोरी था, उसको बिल्कुल भी मैच नहीं करती है ये वेब सीरीज। और ऊपर से भाई इस वेब सीरीज का और भी कई सारे एपिसोड आने वाले हैं, जो कि आपको हर एक फ्राइडे में एक एक देखने को मिलेगा। लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने क्या ही गंदा खेल खेला है, आज ही के दिन ये वेब सीरीज रिलीज होती है, इसका दो एपिसोड रिलीज कर देते हैं, लेकिन फिर भाई वही सेम कहानी, हर फ्राइडे को आपको एक एक एपिसोड देखने को मिलेगा। क्या ही मजा दे रही है यार ये वेब सीरीज। इससे अच्छा तो भाई SS राजामौली की बाहुबली 3 ही देख लेता मैं, कम से कम इतना जल्दी दिल तो नहीं टूटता मेरा। सीधे सीधे बोलूं तो भाई ये वेब सीरीज देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ आपको मजा चाहिए तो भाई थोड़ा को बहुत मजा आपको मिलेगा, लेकिन वो रियलिस्टिक, वो फीलिंग, वो ऑरा आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भाई इसका जो डबिंग है ना भाई, इसको सुन के मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, क्या ही डबिंग है। लेकिन इसके कैरेक्टर्स, इसके एनिमेशन बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगते। तो यार अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज देख लिया तो भाई कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। और अभी तक यदि आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या आप ये वेब सीरीज देखोगे अभी भी या नहीं। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ EV Explain में।